खबर उज्जैन से है, जहां उज्जैन में मेडिकल डिवाइस पार्क और गारमेंट फैक्ट्री के बाद अब अमूल विक्रम नगर उद्योगपुरी में प्रदेश का सबसे बड़ा प्लांट लगाने जा रहा है। 400 करोड़ रुपए से लगने वाले इस प्लांट का भूमि पूजन देश के गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। अमूल के इस प्लांट में दूध के साथ साथ दही, घी, छाछ और आइसक्रीम भी बनेगा। प्रदेश के साथ देश की कई हिस्सों में यहां का माल सप्लाई भी किया जाएगा। उज्जैन के विक्रम नगर उद्योगपुरी में प्रदेश का सबसे बड़ा अमूल का प्लांट लगेगा। 400 करोड़ से बनने वाले प्लांट से सीधे जिले के सैकड़ों किसान जुड़कर अपना दूध बेच सकेंगे। उद्योगपुरी में लगने वाली अमूल की यूनिट का 30 मई को देश के गृह मंत्री अमित शाह वर्चुअली रूप से भूमि पूजन करेंगे। माना जा रहा है कि इस प्लांट के लगने के बाद जिले के किसानों को काफी फायदा होगा, साथ ही हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया, शिवराज सिंह चौहान की मंशा है कि उज्जैन ना सिर्फ धार्मिक नगरी बल्कि औद्योगिक शहर के रूप में भी पहचान बनाए। इसको लेकर प्रयास किए जा रहे हैं, अब एक के बाद एक नए उद्योग उज्जैन आ रहे हैं। अमूल प्रदेश का सबसे बड़ा प्लांट 400 करोड़ में उज्जैन में स्थापित करेगा। उज्जैन में अब एक के बाद एक नए उद्योग आ रहे हैं, जिसमें बेस्ट कारपोरेशन प्रतिभा सिंटेक्स गारमेंट्स की यूनिट डाल रही है। दोनों ही फैक्ट्री आगामी 4 माह में बनकर तैयार हो जाएंगे। दोनों ही फैक्ट्री के माध्यम से करीब 8000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके साथ ही मेडिकल डिवाइस यूनिट भी डाली जा रही है। 18 फार्मा की बड़ी कंपनियां भी अपनी यूनिट यहां लगा रही हैं। उज्जैन देवास रोड पर पहले से ही अमूल की एक यूनिट है। अब विक्रम उद्योगपुरी में डालने वाली यूनिट से सीधे किसानों को फायदा मिलेगा। उज्जैन में लगने वाली यूनिट में दूध, दही, घी, छाछ, पनीर के साथ आइसक्रीम भी मिलेगी। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी उपलब्धि ये भी है कि अमूल का एक बहुत बड़ा प्लांट यहाँ पर लगने वाला है। प्रदेश भर का सबसे बड़ा ये प्लांट होगा। लगभग 400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अमूल की तरफ से हो रहा है, जिसमें उनके द्वारा न केवल दूध, इसके अलावा पनीर है, घी है, आइसक्रीम भी है, वो सारी चीजें बनाई जाएंगी। न केवल इससे किसानों को बहुत लाभ होगा, उनको उनका जो उत्पाद है, दूध है, उसके बहुत अच्छे दाम मिलेंगे, लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार भी मिलेगा।